शिमला धर्मशाला राष्ट्रीय उच्च मार्ग 103 पर स्थित घुमारवी के पट्टा चौक पर एक तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर पैरापेट से टकरा गई। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। यह हादसा शुक्रवार दोपहर के समय पेश आया। डीएसपी घुमारवी अनिल कुमार ने मामले की पुष्टि की है। शिमला धर्मशाला राष्ट्रीय उच्च मार्ग 103 पर स्थित घुमारवी के पट्टा चौक पर एक तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर पैरापेट से टकरा गई। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। जब युवक कलरी डिग्री कॉलेज से घुमारवी अपनी बाइक पर दोस्त को लेकर घुमारवी बाजार की तरफ आ रहा था, तब ये हादसा पेश आया। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये युवक काफी तेज रफ्तार से बाइक चला रहा था। अचानक बाइक पर से नियंत्रण खो बैठा और बाइक पैरापिट से टकरा गई। मृतक बाइक चालक की पहचान बरोटी हमीरपुर निवासी 19 वर्षीय अभिषेक राणा के रूप में हुई है। वहीं घायल युवक की पहचान हमीरपुर समताना निवासी 22 वर्षीय यश कालिया के रूप में हुई है। गंभीर रूप से घायल यश को स्थानीय लोगों द्वारा सिविल अस्पताल घुमारवी ले जाया गया, जहां से उसे क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर के लिए रेफर कर दिया गया है। दोनों घुमारवी कॉलेज के छात्र हैं और जिस युवक की मौत हुई है वो NSUI का कॉलेज कैंपस अध्यक्ष था। घुमारवी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। डीएसपी घुमारवी अनिल कुमार ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि सड़क दुर्घटना में एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई है। उन्होंने कहा कि शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया है। जो है एक बाइक कलरी कॉलेज की तरफ से घुमारवी की तरफ आ रही थी, तो पट्टा चौक के पास जो है अनियंत्रित होकर जो पैराफिट से टकराई, जिसपे दो व्यक्ति जो थे वो सवार थे, तो उसमें से एक अभिषेक राणा करके और एक यश कालिया करके है। उसमें से अभिषेक राणा की जो है रास्ते में ही मौत हो गई और दूसरा जो है काफ़ी गंभीर है, जिसे ZH हॉस्पिटल बिलासपुर रेफर कर दिया गया है और मौका की कार्रवाई की जा रही है। सिटी चैनल के लिए बिलासपुर से विजय भारद्वाज की रिपोर्ट।